हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दोस्तों आज की रो पीरो गेम की नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं ना अभी मिलिट्री बेस से इस हेलीकॉप्टर को चुरा के लाया हूँ। देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से इस हेलीकॉप्टर को चुरा के लाया हूँ। ये देखो वो वाली जगह है, देखो वहाँ पे वो दिख रहे हैं दो कंटेनर जैसे कुछ बड़े बड़े से, देखो वो दोनों जगह वहीं से ला के आया हूँ मैं दोस्तों अभी इस हेलीकॉप्टर को चुरा के। तो चलो दोस्तों आज ना हम इस हेलीकॉप्टर से राइड करेंगे। तुम कहाँ पे हो, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे तुमसे काम है। अरे भाइयों मुझे ऐसा लग रहा है कि टिप्सन ने मुझे फोन करके अभी भी बुलाया है, तो मुझे ना उसके पास जाना होगा। अबे यार मेरा प्लान बना था कि मैं आराम से वाइट स्टार घूमूंगा, पर कोई नहीं, आज भाई टिप्सन ने बुलाया तो उसके पास ही जाना होगा। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं टिप्सन के पास, वो रहा भाई टिप्सन का घर, और उससे पूछते हैं कि भाई क्या है भाई। तो चलो भाई इसके घर के पास हम आ गए, यहीं पे इसे लैंड करा देते हैं अपने हेलीकॉप्टर को। और ये भाई हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं, बस इसे आराम से लैंड करा देते हैं। हाँ बस आराम से हो जा। तो चलो भाई हो गया। अबे टिप्सन अबे क्या हो गया ये तो बता, तूने हमें बुलाया क्यों? वो ना अपना वो बास्केटबॉल कोर्ट है ना, उसके अंदर ना एक वो रखा है बक्सा, तू उस बक्से को लेके ना उस लाइट हाउस के नीचे जो गुफा है ना उसमें रख के आ जा, और उस बक्से वहाँ पे एक बक्सा हो उसकी जगह पे तू उस वाले बक्से को छोड़ के आ जाइयो, और फिर तू जल्दी से उसे लेके आ फिर ना उसमें से मैं एक चीज निकाल के दिखाऊंगा, तो ये बहुत काम की चीज है, तू जल्दी से जाके बस उसे ले आ। अरे उस बक्से में ऐसा क्या ये तो बताओ। फिर तू ना उन चीजों पे ध्यान मत दे, जब तू ही खोलेगा उसे तू उसे लेके तो फिर मैं तुझे सब बता दूंगा बाद में, तू पहले जाके ना उसे लेके आ जल्दी से जाके जा है। तो भाई हमें ना अब जाना होगा भाई, अब इसने कही है तो चलो भाई चलते हैं जल्दी से, अब इससे ज्यादा मूड मारना तो भाई बेकार है। और पर मेरे हेलीकॉप्टर का ख्याल रखियो ठीक है ना, मैं अभी जाके देख के आता हूँ पहले उस कोर्ट में वो है कि नहीं है डिब्बा। तो चलो भाई ये मेरा हेलीकॉप्टर है, मैं इसे लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ? अरे बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ है, अरे वो रहा कोर्ट, फालतू में लेके जाना तो बेकार है इतनी पास के लिए। अबे टिप्सन मेरे हेलीकॉप्टर का ख्याल रखियो ठीक है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। दोस्तों ये रहा अपना बास्केटबॉल कोर्ट, इसके अंदर ही उसने बताई है कि एक डिब्बा रखा है, तो देखते हैं भाई डिब्बा है कि नहीं है। ओ भाई डिब्बा तो है, ये रहा भाई डिब्बा तो है भाई। इस डिब्बे को भाई हमें लेके जाना है उस लाइट हाउस के नीचे वाली गुफा में, पर दोस्तों हमें इसे ऐसे तो नहीं ले जा पाएंगे, इसके लिए भाई हमें वो चाहिए होगी कोई कार। तो जल्दी से भाई वो कार देखते हैं भाई, वो रेड कलर वाली जीप कहाँ पे है। तो चलो भाई उस जीप को ढूंढते हैं, अरे यहाँ पे तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रही, ढूंढनी पड़ेगी भाइयों। अबे टिप्सन मेरे हेलीकॉप्टर का याद रखियो ठीक है ना। अरे भाइयों मैं टिप्सन के पास अपना ये छोड़ के गया था हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर मेरा कहाँ गया भाई? अबे टिप्सन अबे मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ पे है? अबे यहाँ पे मेरा हेलीकॉप्टर रखा था वो कहाँ पे जल्दी बता। रोपियो उसे ना वो लेके चले गए पुलिस वाले, उन्होंने कहा था कि तुमने ना गलत जगह पे पार्क करा इसलिए वो तुम्हारे हेलीकॉप्टर को ले गए। अबे यार इस टिप्सन की वजह से इतना महंगा हेलीकॉप्टर चला गया, उसमें ना बहुत सारी मिसाइलें थी, गोलियां भी लोड थी उसमें, पूरा हेलीकॉप्टर जब्त कर लिया पुलिस ने। अब मुझे वो वाली कार ढूंढनी है, उस मिशन को पूरा करता हूँ जल्दी से, पहले वो वाली कार मिल रही नहीं है इतनी देर से देख रहा हूँ मैं। तो चलो भाई बहुत देर ढूंढने के बाद हमें ये वाली कार मिल तो गई, तो जल्दी से इसे लेके चलते उस जगह पे। हाँ भाई जल्दी दे दे भाई, इतना टाइम तो हो ही गया है। अबे क्या पीछे पुलिस के केस हो गए भाइयों, अब इन पुलिस से भी मुझे बचना होगा, पर पहले ना इस वाली कार को मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, पुलिस के केस को माफ होने देता हूँ। तो भाइयों पुलिस के केस तो माफ हो गए और मैं अपनी गाड़ी को फिलहाल लेके यहाँ पे आ चुका हूँ। तो जल्दी से ना मैं अपनी ग्रेवी गन निकालता हूँ और इस बक्से को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखने की कोशिश करता हूँ, जो पीछे जगह है ना उस पर रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने ग्रेवी गन निकाल ली है, अबे ये तो उड़ रही है, अबे रख जा आराम से। अरे अबे ये नहीं रखेगी दोस्तों, इस पे जगह ही नहीं है, ये नहीं रख पाएगी। चलो भाई कोई और तरकीब लगानी होगी। भाइयों बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया है, मैं ना अपनी वो वाली गन निकाल लेता हूँ जिससे ना ये हवा में उड़ने लगेगी। इधर देखो हाँ अब सही है, ये अब हवा में उड़ रही है ना, अब मैं इसे ना जल्दी जल्दी से बांध लेता हूँ। पर ये सभी लोग मेरे पीछे मुझे बहुत मार रहे हैं, अबे हट जाओ, अबे क्या मारने लग रहे हो, अबे निकलो यहाँ से सभी।
ले तू भी ऊपर जा, तू भी ऊपर जा, तू भी ऊपर जा, इन सभी को भी मैंने लटका दिया है। तो चलो भाइयों मैं ना जल्दी से अपने उसको ले लेता हूँ, ये रहा, इसे जल्दी से अटैच कर लेता हूँ भाई, मैंने बांध लिया है इसे। अब मुझे ना जल्दी से लाइट हाउस जाना है, फिर लाइट हाउस से जाके भाई इस वाले को लेके आना है। मैं अपनी गाड़ी में बैठ सकता हूँ? अरे गाड़ी में बैठूंगा तो इसकी रस्सी फस्सी हाथ से छूट गई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो भाई उड़ के ही चलता हूँ जल्दी से लाइट हाउस। तो भाई अभी तो लाइट हाउस यहाँ से बहुत दूर है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ऊपर जाके। ये देखो भाई हम कितने ऊपर आ गए, अब जल्दी से ऊपर आ जाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ लाइट हाउस कितने दूर है अभी यहाँ से। अब देखो दोस्तों लाइट हाउस अपना कहाँ गया, वो रहा, देखो दोस्तों इतनी दूर है भाई, वहां में वहां पे जाना है। तो दोस्तों हम ऐसे ही चलते हैं भाग भाग के जल्दी से। तो भाई ये बहुत देर तक भाई चलने के बाद इस रस्सी के पकड़ते पकड़ते भाई मैं आ चुका हूँ लाइट हाउस की उस वाली गुफा में। अब मुझे ना इस गुफा में जाना है और इसको भाई इस डिब्बे को रख के आना है। तो चलो भाई गुफा के अंदर चलते हैं जल्दी से। और भाई ये रस्सी अभी मेरे पास लगी हुई है, मैं बहुत देर से खींच के लाया हूँ भाई, इतनी दूर से लाने में भाई पसीने छूट गए। तो चलो भाई यहाँ पे ना अब हम बे, इसने तो मुझे ही टक्कर मार दी। चलो अब मैं जल्दी से खड़ा होके ना इस वाले में ना सोती कर देता हूँ, यानी एक छेद कर देता हूँ जिससे ये बलून ना नीचे गिर जाएगा। ये मैंने छोड़ दिया है, अब मैं इसमें एक छेद कर देता हूँ। ये ले गन से छेद हो जाएगा ना, वहीं की गिर जाएगा। ये लो भाई ये तो मैंने गिरा दिया, मैं अपनी वो वाली गन निकालता हूँ जल्दी से, इसे अटैच कर लेता हूँ। ये रही वो वाली गन, ये मैंने ले ली और ये मैंने अटैच कर ली। चलो अब ये मैंने उड़ा दिया, अब इसे मैं जल्दी से रस्सी से बांध लेता हूँ और इसे ना मैं उस कोने पे रख देता हूँ जहाँ से मैंने वो वाला उठाया। टिप्सन ने कही है भाई इसलिए करना पड़ रहा है, वरना मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाता। तो चलो भाई ये मैंने छोड़ दिया है, अब जल्दी से भाई टिप्सन के पास इसे लेके चलते हैं। और भाई ये मैंने कर लिया भाई, अपनी रस्सी से बांध लिया है, अब भाई जल्दी से चलते हैं। मैं ना दोस्तों कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जिससे ना मुझे एक कोई कार मिल जाए, मैं उस कार के थ्रू ही भाई इस पे आराम से बैठ के चला जाऊं। तो चलो भाई कोई कार देखते हैं जल्दी से। अबे पुलिस की कार भाई, इसे नहीं लूंगा भाई, पुलिस पीछे पड़गी ना भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक ग्रीन कलर की कार दिख रही है, चलो तो इसी को कर लेता हूँ। पहले इस जाली को हटाता हूँ जल्दी से, हट यहाँ से भाई। जाली हटा दिया, यहाँ पे ये कार है मेरे बगल में ही, इस वाली कार में बैठ जाता हूँ। अरे वो मैं यहाँ पे क्यों आ गया फालतू में, ये रही ना कार, इसे पकड़ता हूँ जल्दी से। अब मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ और चलता हूँ उस जगह पे। तो भाइयों यहाँ पे मैंने ये वाली कार ले ली है, और मुझे ना दोस्तों ज्यादा तेज कार नहीं चलानी, अब मुझे सीधा टिप्सन के पास जाना है भाई। जल्दी जल्दी चलता हूँ टिप्सन के पास। और ये देखो मैं दोस्तों जा रहा हूँ वहां पे, मुझे दोस्तों ये देखो रस्सी कैसे तन रही है, अगर ये रस्सी ना अगर मैं ज्यादा तेज चलाऊंगा ना तो टूट जाएगी भाई। जल्दी से चलाता हूँ धीरे धीरे आराम आराम से, हाँ ऐसे ही चलते रहे आराम आराम से। तो चलो भाई मैंने ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी अपनी कार की। और दोस्तों ये देखो, अरे देखो मैंने दोस्तों कही थी ना कार की स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये टूट जाएगी, ये रही मैं इसे दोबारा अटैच कर लेता हूँ। अब दोस्तों मुझे पता है कि ये ऐसे ही होने वाला है बार बार, इसलिए धीरे धीरे ही चला के जल्दी से जाता हूँ। अगर ये अटैच हो गई ना भाई दोबारा से जाना पड़ेगा, जल्दी से लेके चलता हूँ इसे। और भाई अभी टिप्सन का घर यहाँ से दूर है भाई, हमें आराम आराम से जाना होगा। ये क्या क्या चीज़ें बीच में आने लग रही हैं। तो चलो भाई जल्दी से टिप्सन के घर चलते हैं, भाई सामने टिप्सन का घर है। और भाई रस्सी पूरी भाई इधर उधर घूमने लग रही है भाई, गोल गोल घेरे खाने लग रही रस्सी। और भाई मैं बस पहुँचने वाला हूँ टिप्सन के घर पे, देखो दोस्तों बस थोड़ा ही दूर रह गया उसका घर। और ये क्या हो रहा है भाई, ये ना बलून के चक्कर में भाई कार भी अनबैलेंस हो रही है भाई, टेढ़ी मेढ़ी अपनी मर्जी से कहीं पे भी चली आती है और वो फिर से छूट गया। अबे बार बार की रस्सी टूट रही है मेरे हाथ से, चलो जल्दी से चलता हूँ। चलो दोस्तों वैसे मैं पहुंच ही गया ऑलमोस्ट टिप्सन के घर के पास ही हूँ वैसे मैं, पर दोस्तों वो रहा उसका घर, ये मैं आ गया। बस थोड़ा और जाना है हमें, वहां पे आगे टिप्सन का घर है। चलो दोस्तों मैं पहुंच तो गया, हाँ चलो भाई। अबे टिप्सन ये ले, मैं ले आया तेरे लिए इसे, मैं ना इसे यहाँ पे पहले छोड़ देता हूँ और मैं ना फिर इसमें ना एम लगा के इसमें एक वो कर देता हूँ छेद जिससे ये नीचे रो रो पी रो, इसे ना जल्दी से नीचे उतार जल्दी से।
अरे हाँ उतार तो दाऊं, ले उतार दिया। अब बता मैं जल्दी से बता क्या करूं। अरे क्या तू पागल है रोपी, मेरे पास ही गिराते जा रहा है इसे, तू पागल ही है। अबे ये टिप्सर हमें क्या समझ रहा है, ये कहां का हमें पागल समझ रहा है। अब मैं ना इसमें ही मार देता हूँ मुक्का पहले टिप्सन में। देखो इस पे दोस्तों डेंजर भी लिख रहा है। पहले ना इस टिप्सन के एक मारता हूँ, निकल ले यहाँ से। एक तो एक तेरा काम करूँ ऊपर से मुझसे कहता है। और दोस्तों इसके अंदर से तो ये क्या निकला, अबे अबे दोस्तों ये तो वो है इविल हल्क। अबे इविल हल्क, अब तो तूने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं वाइस टाउन में तबाही मचाऊंगा तबाही। अबे दोस्तों उसके अंदर तो भाई इविल हल्क था, स्टीफन की वजह से हुआ ये सब। स्टीफन को आने दो जल्दी से, इससे पूछूंगा भाई क्या पागलपंती है। अबे टिप्सन, अबे इसमें तो रिवील हल्क निकला था, अबे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसे खोलता ही नहीं। तू इतना बड़ा पागल है रूबी, रो तेरी वजह से वो आजाद हो गया। मैं उसे मरवाने के लिए इस डिब्बे को यहाँ पे मंगवाया था, अब तेरी वजह से सब कुछ बेकार हो गया। अबे यार ये क्या हो गया यार, वो इविल हल्क आजाद हो गया हमसे आज। चलो कोई ना भाई, बाद में देख लेंगे भाई सारी चीजें। इस डिब्बे की वजह से हुआ सब कुछ, इस डिब्बे को ही निकालो, पर इस डिब्बे को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो चलो यारो आज की इस वाली वीडियो में ना इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। और दोस्तों गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लेना दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे ये वाली वीडियो आ रही है, इन्हें भी देख लेना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।